तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये हमारी टिक्कियों के फाइनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाने आई हूँ आलू की टिक्कियों की मेरी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने आलू जो है छील के और ऐसे पीसेस में कट करके इनको बॉईल कर दिया है जी। आलू बॉईल कर लिए हैं और साथ में इसके मसाले काट दिए हैं। ये है धनिया, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये कटिंग होने वाले मसाले मेरे कट हो गए हैं। अब आपको मैं बाकी का तरीका बताऊंगी कि मैं इसको मिक्स कैसे करती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ मैं। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो ताकि आपको सब पहुंच सके। तो मिलती हूँ फिर आगे, आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जी, आए जो आगे देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, जैसे आलू दिखाया था बॉयल हो चुके हैं, ये मसाले भी आपको दिखाया था कट किया, ये खड़े मसाले भी मैंने डाल दिए। ये है जी जीरा, ये है सूखा धनिया, ये है अजवाइन और ये है कुटी हुई लाल मिर्चें। अब ये हम पहले आलू को मैश करेंगे, तो आलू मैश करते हैं। ये देखें आलू मैश हो रहे हैं हमारे, ठीक है। आलू मैश कर लेते हैं पहले सारे अच्छी तरह से। ये देखें जी, इसको बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल मैश नहीं करना। अब ये जो मसाले हैं, नमक है जी एक और आधा चम्मच, ये कुटी हुई मिर्चें भी एक और आधा चम्मच, और ये अजवाइन है थोड़ी सी, समझ लें हाफ टी स्पून, सूखा धनिया है डेढ़ टी स्पून और ये ज़ीरा है हमारा 1 टीस्पून, ठीक है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में ये जो हमारे ये धनिया, प्याज और मिर्चियाँ, ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसके प्लेट को हम साफ कर लेंगे। करो यहाँ से, ये देखें अच्छी तरह हम इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें, ये हमारे आलू की टिक्कियों का जो है मटेरियल मिक्स हो रहा है। ये देखें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और इसको एक बार, वैसे आप अपने जो आपके स्पाइसेस हैं, आपका जो, जैसी आप मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं कम, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा कि क्या है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मिक्स करके हम एक बार चखेंगे क्योंकि उससे पता चल जाएगा नमक कम है या मिर्चें कम है, ये जो भी है, नमक मिर्च का ज़्यादा मसला, बाकी और चीज़ें तो हमने और कोई नहीं डाले। नमक मिर्च अगर कोई कम हो तो हम उसमें और ऐड कर लेंगे। चलें इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा रेडी मटेरियल क्या है। व्यूअर्स, इसमें मुझे नमक तो बिल्कुल परफेक्ट लगा, मिर्चें थोड़ी कम लगी हैं इसलिए हम ये मिर्चें थोड़ी सी और डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों ने खाना है। वैसे तो ये कुटी हुई मिर्चों का ही होता है, थोड़ी देर पड़े रह के भी निकलता है। तो अब ये इसको हम इसको टिक्कियों की शेप दे देते हैं। चलें फिर मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके मैं इसकी सारी ये टिक्कियाँ वन बाय वन बना लूँगी, ठीक है। ये हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं, इसको हम एग लगा के माशाल्लाह बहुत, ये देखिए सारी टिक्कियाँ हम इस तरह से बना लेंगे माशाल्लाह। ये बिरयानी के साथ या वैसे रोटी के साथ, चटनी के साथ खाएं और बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों के लंच में बड़ा अच्छा रह जाता है। तो अंडे लेंगे और इनको अंडों से कोट करके इनको हम फ्राई कर लेंगे, तो चलें वो भी आपको दिखा दें। अभी वैसे हम अंडे को फेंट लेंगे, ये देखिए अंडा फेंट लिया इसको टिक्कियों को फ्राई करने के लिए, तो चलें दिखाती हूँ आप। ये देखें एक साइड से तकरीबन हमारी रेडी हो चली है। ये देखें इन पर कलर आ गया, जिन पे कलर आ गया तो उनको साइड इनकी टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये देखें रेडी हो जाए। ये देखें, तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये हमारी टिक्कियों की फाइनल लुक है। साथ हमने चटनी बनाई है, साथ सैलड बनाया है और वैसे और भी आप अगर ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो मिल सके। फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।